हल्की सी हमिंग है ये साथ हेलो 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 इजाजत है सभी की हल्का सा बैंड की लाउड कर दीजिए खींचा साहब जनाब अरविंद जी खींचा साहब जनाब संजय जी मेहता साहब पी एन छंगाणी जी और तमाम जितने भी मेहमान हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं उन सभी का नौजवान कमेटी रूपनगर चढ़ावटा की जानिब इस्तकबाल है आपका प्लीज तशरीफ Thank you.
नसीबी है, तकरीबन कई मरतबा मेरी इस दरबार में हाजिरी हो चुकी है और इस साल फिर हजरत दीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर मैं अपनी हाजिरी पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे पूर्व प्रधान और इस उर्स के अध्यक्ष बड़े भाई लाल मोहम्मद साहिब का कि उन्होंने खिदमत का मौका अता फरमाया। सरपंच रूपनगर, एक्स सरपंच रूपनगर नवाब चाचा का, मेला संयोजक हमारे पप्पू काठत साहब का, कोषाध्यक्ष चांद मोहम्मद साहिब का कि मुझे हाजिरी का मौका अता फरमाया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी अतिथि गण का जो हर साल मुझे इस महफिल में जलवा अफरोज नज़र आते हैं। मैं मुख्तसर वक्त में जितनी टाइमिंग मुझे दी गई है उसको मद्देनज़र रखकर एक हमद नज़र कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मालिक व मुख्तार की शान में जिसने कुल कायनात को पैदा किया है, मैं तमाम लोगों से इजाज़त का तलबगार हूँ, ख़ासकर अपनी पूरी कमेटी
सदर साहब, उप सदर, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोगों से मैं इजाज़त का तलबगार हूँ। और हमारे अतिथिगण जो सामने बैठे हैं, सर आज्ञा चाहता हूँ आप तमाम लोगों की, अपना अपना हाथ उठाकर इजाज़त से सभी नवाज दें। पीछे ऑडियंस भी अपना अपना हाथ उठाकर इजाज़त अपनी माँ बहनों से भी चाहता हूँ। और आपके इलाके के राजस्थान के इकलौते कव्वाली ऑर्गेनाइज़र जनाब इम्तियाज़ भाई से इजाज़त का तलबगार हूँ। इम्तियाज़ भाई, शब्बीर अहमद अमन साहिब जो आपके इलाके की शान है, और सैयद साहब हमारे शहादत भाई से इजाज़त, हिंदुस्तान की मायनाज फनकारा मोहतरमा रौनक परवीन जी और उनकी पूरी पार्टी से इजाज़त चाहेंगे हम। आगाज़ कर रहे हैं हम दबारी ताला से, समाप्त फरमाइए। शम्स तबरेज़ खुदा तलबी, शम्स तबरेज़ कर कर खुदा खुश बगला इला। चार मिसरे समाप्त फरमाइए। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए। क्या बात है,
मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी मुमलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरो की तरह नात पढ़ूं रक्स करूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए, मैं भी खुसरो की तरह नात पढ़ूं रक्स करूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। चार मिसरे समाप्त फरमाए। खिजा में छाओ का मौसम निकाल सकता है, खिजा में छाओ का खिजा में छाओ का मौसम निकाल सकता है, सुलगती याक से शबनम निकाल सकता है, दुआएं प्यास की शिद्दत से मांग कर देखो, खुदा कहीं से भी जमजम निकाल सकता है, खुदा कहीं से भी जमजम निकाल सकता है, रज़ाक तू है मौला देता है रिज़्क हमको, नेमत से तेरी हमने जीने का लुत्फ पाया, तू है करीम या रब हम पर भी करम कर दे, सदके में मुस्तफा के तू बख्श दे खुदा। हम्द का नया मतलब, मैंने एक नई हम्द कंपोज की है, इस उम्मीद के साथ पेश कर रहा हूं कि आप लोग पसंद फरमाएंगे। ऐसा मतलब समाप्त फरमाएं। या मालिको माबू सरदार कहें तुझे वाहे गुरु, क्योंकि सारे जहां को तूने एक पल में है बनाया, तेरी सना खुदाया तेरी सना खुदाया, क्या चांद क्या ये सूरज दुनिया के सब नजारे नूरे मोहम्मदी से तूने ही ने सजाया, तेरी सना खुदाया तेरी सना खुदाया।
मतले पर तवज्जो चाहूँगा, इस मतले का मफहूम है वो रब्बुल आलमीन है, इसलिए तवज्जो चाहूँगा। सर या मालिक ओ महबूब, या मालिक ओ महबूब, या मालिक ओ महबूब तेरी हमदो सना है, 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 या मालिक ओ महबूब सगम नहीं दानी सगम मगर दाई, या मालिक ओ महबूब तेरी हमदो सना है, 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 या मालिक ओ महबूब, या मालिक ओ महबूब तेरी हमदो सना है, तू खालिक ओ यकता, तू खालिक ओ यकता, तू खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा है, खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा है, खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा है, खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा है, खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा है, खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा है, खालिक ओ यकता है, सगमा नहीं था है, तू खालिक ओ यकता, तू खालिक ओ यकता, तू खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा है, खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा है, खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा है, खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा है, खालिक ओ यकता है, तू ही सबका खुदा। सर पहला शेर नजर कर रहा हूं, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो या ईसाई, आहा आमाल तो सारी दुनिया के अल्लाह तू मेरे जाने हैं, हर कली की रंगत समझे है, हर फूल की खुशबू जाने हैं, ऐ राम रहीम के मतवालो भाषा के लिए क्यों लड़ते हो, अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने हैं, तमाम आहा मोहब्बत को मेरी पहचान कर दे, दीन मोहम्मद साहब मोहब्बत को मेरी पहचान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे, बहुत दिन से अकेला चल रहा हूं, खुदा बंदा सफर आसान कर दे, दरो दीवार शिकवा कर रहे हैं, उसे एक दिन मेरा मेहमान कर दे, मैं जब बोलूं तो महके सारी महफिल, मेरी आवाज को लोबान कर दे, मोहब्बत प्यार रिश्ते भाईचारा हमारे दिल को हिंदुस्तान कर दे, क्या बात है, क्यों हर चीज तेरे नूर से रोशन है जहां में, हर चीज तेरे नूर से रोशन है जहां में, हर चीज तेरे नूर से रोशन है हर चीज तेरे
सूरज में चमक तेरी, सूरज में चमक तेरी, सूरज में चमक तेरी सितारों में जिया है, 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 सूरज में चमक तेरी और वक्त की कमी है, मैं सर के नाम से वाकफियत माजरत के साथ क्योंकि 3-4 साल बाद आना हुआ है, अरविंद जी माजरत के साथ, सर हरविंद जी गीसा साहब यहां तशरीफ फरमा है, अभी पढ़ता हूं। अरविंद भैया ये शेर बिलखसूस आपकी नजर कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया से तो हम धोखा कर सकते हैं, नजरें चुरा सकते हैं, लेकिन उसकी उसके दरबार में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबका अकीदा यह है कि भगवान अल्लाह ईश्वर हमें देख रहा है, तो इसलिए ये शेर नजर अरविंद भाई की कर रहा हूं। खीचा साहब खास तौर से तवज्जो दें, आए है बंदों का कोई फैलो अमल छुप नहीं सकता, 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 बंदों का कोई बंदों का कोई फैलो अमल छुप नहीं सकता, हर वक्त हर एक हाल, हर वक्त हर एक हाल, हर वक्त हर एक हाल में तू देख रहा है, हर वक्त हर एक हाल में तू देख रहा है, हर वक्त हर एक हाल में तू देख रहा है, हर वक्त हर एक हाल में तू देख रहा है, हर एक हाल में तू देख रहा है, हर वक्त हर एक हाल में तू देख रहा है, हर वक्त हर एक हाल में तू देख रहा है, हर वक्त हर एक हाल में तू देख रहा है, बंदों का कोई फैलो अमल छुप नहीं सकता, बंदों का कोई फैलो अमल छुप नहीं सकता, हर वक्त हर एक हाल, हर वक्त हर एक हाल में तू देख रहा है, हर एक हाल में तू देख रहा है, हर वक्त हर एक हाल में तू देख रहा है, हर वक्त हर एक हाल। और बड़ा प्यारा शेर है, उम्मीद के साथ पेश कर रहा हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। दारा हो सिकंदर हो या दारा हो सिकंदर हो या सरदार हो कोई, 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 दारा हो सिकंदर हो या इकबाल हो कोई, दारा हो सिकंदर हो या इकबाल हो कोई, दारा हो सिकंदर हो या सरदार हो कोई, लेकिन तेरे दरबार में सर सबका झुका है, 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 तू ही सबका खुदा है, तू ही सबका खुदा है,
दसों का मालिक है तू ही, दसों का मालिक है तू ही, रहमान तू ही, राज़िक है तू ही, रहमान तू ही, राज़िक है तू ही। कहते हैं चांद सितारे हवा, चांद सितारे हवा, हर जर्रे का खालिक है तू ही, हर जर्रे का खालिक है तू ही, हर जर्रे का खालिक है तू ही। तुझे तुझे हिंदू कहे ईश्वर है तू, तुझे हिंदू कहे ईश्वर है तू, सरदार कहे तुझे वाहेगुरु, सरदार कहे तुझे वाहेगुरु, तुझे गॉड ईसाई कहते हैं, तुझे गॉड ईसाई कहते हैं, तुझे गॉड ईसाई कहते हैं। मुस्लिम के लिए रहमान है तू, तू ही सबका खुदा है, तू ही सबका खुदा है, तू ही सबका खुदा है, तू ही मेरे मौला, मेरे अल्लाह, तू ही सबका रे मौला, तू ही सबका रे मौला। अरविंद जी, चार मिसरे हमारे नाना मरहूम शेवन बिजनौरी साहिब के हैं। उससे पहले चार मिसरे हिंदू मुसलमान भाइयों को मद्देनजर रखकर पेश कर रहा हूं। है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है। अमन भाई, ये जितनी भी ऑडियंस यहां से पीछे तक बैठी है, अगर मिसरे समझ में आए तो दाद से नवाजें। है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है, नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है, नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। इससे हम लोगों का रिश्ता मर के भी टूटा नहीं, हम हैं इस मिट्टी की धड़कन, ये हमारी जान है। जौहर भाई कहते हैं, इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इंसान के गम में दूसरा इंसान तड़प उठे, काश इतना प्यार दोनों तरफ के दिलों में हो, हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे। क्या बात है, क्या कह रहा है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। देखिए, अभी दशहरा गया है, दीपावली गई है, सबको मुबारकबाद। एक शायर कहते हैं, बोली राधा मैं तेरा साथ ऐ जहरा दूंगी, क्या कह रहा है, बोली राधा मैं तेरा साथ ऐ जहरा दूंगी, दूंगी, तू मुझे ईद अता कर मैं दशहरा दूंगी, तू मुझे ईद अता कर मैं दशहरा दूंगी, कोई दुश्मन तुझे आंखें दिखा नहीं सकता, तू नमाजे जो पढ़ेगी तो मैं पहरा दूंगी। क्या बात है, चार मिसरे बड़े हसीन है। काबे में तेरा जलवा ना गच, ना गच। सबका खुदा है, तू ही सबका खुदा है, तू ही सबका खुदा है, तू ही मेरे वाला, तू ही मेरे
समझ न पाया वो है मकाम तेरा सुरों से कहकशां तक सारा निजाम तेरा एक दिल है मोमिनों का और एक अर्श आजम एक दिल है मोमिनों का और एक अर्श आजम ये भी मकाम तेरा वो भी मकाम तेरा कोई सफा होता है आखिरी शेर उसके बाद मख्ता पढ़ूंगा देखी ना कभी देखी नहीं आंखों ने झलक भी कभी तेरी देखी नहीं आंखों ने झलक भी कभी तेरी देखी नहीं आंखों ने झलक भी कभी तेरी मेरे मां फिर भी है यकीन हर जगह तू जलवानुमा है हैरान हूँ इस बात पे तुम कौन हो क्या हो हाथ आओ तो बुत हाथ न आओ तो खुदा हो हर जगह तू जलवानुमा है हर जगह तू जलवानुमा है लीजिए मख्ता पढ़ रहा हूं साबित कदम ईमान पे तू रखना जहां में साबित कदम ईमान पे तू रखना जहां में साबित कदम ईमान पे तू रखना जहां में माला या रब्बे तो आलम तेरे नश्तर की दुआ है मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिरी पेश कर रहा हूं क्या हुआ मुअज्जिज हजरात आप सुन रहे हैं कव्वाली की सल्तनत के शहजादे जनाब रईस अनीस साबरी को जो इन दिनों में सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं और यहाँ पर हजारों इनके चाहने वाले हैं दीवाने हैं हमारे बीच में बताना चाहूंगा मुख्तसर कमेंट्री करते हुए कि आज के इस प्रोग्राम में महफिल में जलवा अफरोज जो मेहमान खसूसी है जनाब पी एन छंगाणी साहिब पूर्णकालिक निदेशक श्री सीमेंट लिमिटेड
आपका नौजवान कमेटी की ओर से इस्तकबाल है। जनाब संजय जी मेहता, प्रेसिडेंट वाणिज्य श्री सीमेंट लिमिटेड, और जनाब अरविंद जी खींचा साहब, जॉइंट प्रेसिडेंट वाणिज्य श्री सीमेंट लिमिटेड, और जनाब ऋषि कुमार जी जोशी, यूनिट हेड अंबुजा सीमेंट राबड़िया वासपाली, सतीश जी माहेश्वरी, यूनिट हेड श्री सीमेंट लिमिटेड रासपाली, जनाब विनय जी सक्सेना, यूनिट हेड श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर, अरुण जी डागा, यूनिट हेड अल्ट्रा टेक सीमेंट बलाड़ा पाली, और अमित कुमार जी पिड़ीहा, प्लांट हेड निर्मेक्ष सीमेंट प्लांट लिम्बोर, योगेश जी मेहता साहब, वाइस प्रेसिडेंट लॉजिस्टिक्स श्री सीमेंट ब्यावर हमारे बीच में है, और साथ ही अरविंद जी साडा साहब, तनुश्री लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ब्यावर, जनाब विनय कुमार जी दुबे एवीपी पी एंड ए श्री सीमेंट रास, बीएल शर्मा साहिब एवीपी लॉजिस्टिक श्री सीमेंट रास, किरणेश जी चपलोक साहिब एजीएम रॉ मटेरियल श्री सीमेंट, और जनाब जेके पुरोहित साहब एजीएम पी एंड ए निर्मेक्स सीमेंट प्लांट निम्बोल, जनाब विशाल जी जायसवाल प्रबंधक सीएसआर श्री सीमेंट रास, मनमोहन जी शर्मा साहिब जिला अध्यक्ष टेनिस बॉल क्रिकेट अजमेर ब्यावर, और साथ ही अन्य जो हमारे समारोह के जो विशिष्ट अतिथिगण है, जनाब अरविंद चौधरी साहब पीताम्बर कंस्ट्रक्शन कंपनी जयपुर, गोविंद जी अग्रवाल साहब सीमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी ब्यावर, संदीप जी मुंदड़ा साहब श्री कार्गो ट्रांसपोर्ट ब्यावर, जनाब राम प्रकाश जी विश्नोई नीलकंठ ट्रांसपोर्ट कंपनी बांगड़, जनाब सानू जी गुजर, सोनू पार्थ बजरी ठेकेदार खानपुर जालापुर झालावाड़ खानपुर झालावाड़ से, और अमरचंद जी भाटी चिराग कंस्ट्रक्शन ब्यावर। दो मिनट लगेंगे ये सारी अतिथियों का, तमाम जितने भी हमारे मेहमान हैं, एक बार उनका नाम मैं अनाउंस कर लूँ, उनका इस्तकबाल हो जाए उसके बाद। और हमारे हरीश भाई हरचंदानी जी सिमरन फैशन ब्यावर, विजेंद्र सिंह जी रूपपुरा महिपाल ट्रांसपोर्ट कंपनी ब्यावर, मनीष जी खूब चंदानी साई प्रॉपर्टी डीलर ब्यावर, दिनेश जी भाटी मामा व्यवसायी है आप ब्यावर से, जनाब गोपाल जी भाऊ ब्यावर से व्यवसायी है आप, जनाब जिनेंद्र सिंगल साहब समाज सेवी ब्यावर, रामकिशोर जी चौहान प्रॉपर्टी डीलर ब्यावर, जनाब सैयद भाई हिंदुस्तान कार्गो ब्यावर, और हिम्मत जी काठात सोपुरा, श्री श्री कुमार जी विजरानी फैंसी स्टोर ब्यावर, जनाब आरिफ भाई व्यवसायी रूपनगर, जनाब भंवर बहादुर चीता जी सरपंच ककलाना, मनोज जी चौहान कांग्रेस नेता ब्यावर से, अली खान जी सरपंच साहब डीडवाना, जनाब भागचंद जी चौहान साहब प्रॉपर्टी डीलर ब्यावर, गुलाब सिंह जी रावत साहब सरपंच प्रतापगढ़, साबिर जी काठात झुंझारों का बाड़िया, रमेश जी यादव ब्यावर, जनाब जिनेंद्र जी सिंगम सिंगल जिनेंद्र सिंगल साहब प्रॉपर्टी डीलर ब्यावर, गिरिराज जी धर्मकांटा ब्यावर, जनाब ममता ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ब्यावर से, और मस्तान जी चीता ग्रीन टेलर ट्रांसपोर्ट ब्यावर, आज़ाद जी काठात शांति चिल्ड वाटर श्री कृष्णा मोटर्स ब्यावर, देवी जी काठात काली पाटिया, असलम भाई अध्यक्ष नवयुवक मंडल काली पाटिया, जनाब सलीम खान साहब काली पाटिया, जनाब भगवान राम जी विष्णु ट्रांसपोर्ट ब्यावर, जनाब सोहनदास जी नवदुर्गा ट्रांसपोर्ट ब्यावर, जनाब शंकर जी ग्वाला, मस्तान जी चीता ग्रीन ट्रेलर्स, और जनाब शौकीन जी अनिश जी एम ए रोड लाइन्स ब्यावर, जनाब मनोज जी जैन और पप्पू भाई बालाजी ग्रेनाइट डगवाड़ा, जनाब मनोज जी जैन बड़जातिया मोटर्स ब्यावर, और जनाब किशन जी टायर पैलेस ब्यावर, पुरुषोत्तम दास जी चक्की वाले भगवान जी विष्णु ट्रांसपोर्ट ब्यावर, सोहन दास जी नवदुर्गा ट्रांसपोर्ट ब्यावर, कुछ नाम और है बाद में बोल लूँ उनको, आप जैसा बेहतर समझे। नेक्स्ट कुछ अतिथियों के नाम जो है मैं बाद में। अच्छा एक बार अध्यक्ष महोदय की ये ख्वाहिश है कि एक बार तमाम अतिथियों का नाम उद्घोष हो जाए। जनाब बिट्टू भाई सरस्वती फ्रेट कैरियर ब्यावर, जनाब जसवंत सिंह जी ठेकेदार बजरी ब्यावर उरास, और जनाब इकबाल भाई राजधानी इंजीनियरिंग वर्क्स ब्यावर खास, जनाब नौरथ जी सांतला के एस इंजीनियरिंग ब्यावर, गोपाल जी एक सेंटर ब्यावर, बाबू सिंह जी चौहान नंदरी मेंद्रातान ब्यावर, जनाब राजेंद्र कुमार जी ओस्तवाल साहब राजू साहब युवा कांग्रेस नेता ब्यावर, जनाब विक्की जी कृपलानी शू स्टोर ब्यावर, और जनाब अमजद भाई रंगरेज भारत ऑटो सेंटर लांबिया, राजेश शर्मा जी समाज सेवी ब्यावर, जनाब गोविंद जी कोमावत फ्रूट व्यवसायी ब्यावर, जनाब भानु जी शर्मा तिलपट्टी व्यवसायी ब्यावर,
जनाब यासीन खान साहब न्यू स्टार मोबाइल काली पाटिया और जनाब नाखू जी काठार एस के जैसी भी गिरी नानना और मदन जी प्रभु सिंह जी माँ तनोटराई तनोटराई ग्रुप प्रॉपर्टी डीलर ब्यावर और जनाब प्रोफेसर जलालुद्दीन काठार साहब जी सी कॉलेज ब्यावर जनाब श्रवण काठार सरपंच लुलवा जनाब महेंद्र जी चौहान सरपंच बर जनाब लक्ष्मण सिंह जी जी बी इंजीनियरिंग ब्यावर नवीन जी श्रेयस मोटर्स ब्यावर कमलेश जी यादव श्री विनायक रोड लाइन्स ब्यावर जनाब कालू जी श्री बालाजी ऑटोमोबाइल ब्यावर जनाब गोपाल सिंह जी ठेकेदार श्री सीमेंट लिमिटेड जनाब आरिफ भाई रूपनगर ब्यावर जनाब रईस खान ब्यावर जनाब आशीष कुमार भैया ब्यावर जनाब पवन जी शर्मा और जनाब पिंटू भाई दशमेश टायर्स ब्यावर महेंद्र जी श्री सालासर अर्थ मूवर्स ब्यावर जनाब ज्ञानचंद जी सैन साहब रूपनगर ब्यावर जनाब शौकीन चाचा रूपनगर ब्यावर शरीफ भाई अध्यक्ष सरस डेयरी रूपनगर मुराद भाई सुहावा पवन जी शर्मा ब्यावर हाजी सलम साहब सुग्रीव जी तिवारी एचआर हेड साहब और जेके पुरोहित साहब एचआर भुवनेश जी मिश्रा एचआर मनोज गुप्ता जी एचआर निर्मैक्स सीमेंट प्लांट निम्बोल आप सबका इस्तकबाल है अभिनंदन है मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी शुक्रिया थैंक यू वेरी मच भाई हकीम बारी कुरेशी तमाम टीम केदारनगर का कमेटी मोस्ट वेलकम वक्त में ये कलाम नजर कर रहा हूं तमाम आशिकाने मुस्तफा से तवज्जो चाहूंगा उम्मीद करता हूं जो नाते पाक पढ़ रहा हूं इंशाल्लाह आप लोगों के दिलों तक उतर पाऊं जितने भी आशिकाने मुस्तफा बैठे हैं एक मर्तबा जरा खुलकर कह दे सुभान अल्लाह आहा जीते हैं मदीने में मरते हैं मदीने में रहमत ही बरसती है सुनते हैं मदीने में तुम मेरे तसव्वुर पे क्या रोक लगाओगे मेरे तसव्वुर पे क्या रोक लगाओगे तुम मेरे तसव्वुर पे क्या रोक लगाओगे हम हिंद में रह कर भी रहते हैं मदीने में हम हिंद में रह कर भी रहते हैं मदीने में हम हिंद में रह कर भी रहते हैं मदीने में देखना फिर चाहते हैं लोग तैबा देखकर प्यास का एहसास बढ़ जाता है दरिया देखकर अरे देखना आसान है क्या जलवा रसूले पाक का खुद कहाँ रहता है बाकी आंख वाला देखकर खुद कहाँ रहता है बाकी आंख वाला देख कर नूर मोहम्मद साहब दीन मोहम्मद साहब तब जो चाहूंगा
रोशनी कुछ ऐसी छाई आपके आने के बाद, सारी दुनिया जगमगाई आपके आने के बाद, सारी दुनिया जगमगाई आपके आने के बाद, नरगिसों चंपा चमेली सुंबुलों जूही गुलाब, रूह गोया इनमें आई आपके आने के बाद, रूह गोया इनमें आई आपके आने के बाद, ये रूह गोया इनमें आई आपके आने के बाद, रूह गोया इनमें आई आपके आने के बाद, है शाह तो जहां के ख्यालों से मुत्तफिक, साइंस के उलूम में जितने उसूल हैं, मिर्रेख चांद जोहरा तारुद खला धनक, ये सब मेरे रसूल के कदमों की धूल हैं, ये सब मेरे रसूल के कदमों की धूल है। अरविंद साहब, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल्लिल आलमीन, इसका अर्थ है वो रब्बुल आलमीन है और आका इनामदार नबी रहमत रहमतुल्लिल आलमीन है पूरे आलम के लिए। बेशक हमारे जिले के बड़े मशहूर शायर पंडित हैं, कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। क्या कहना है? पंडित काल का प्रसाद है, ये भी पंडित हैं, लेकिन इश्क़े मोहम्मदी में कहते हैं, जैसे आप बाबा की मोहब्बत में बैठे हैं, वो कहते हैं कि मशरिक से हो मगरिब तलक, यानी पूरब से पश्चिम तक, मशरिक से हो मगरिब तलक गर दरहम दीनार, लेकर के जमी ताबा फलक माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक सिमत खड़े हों जो मेरे सैयद अबरार, फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नालायन कफी पाई नबी सर पे उठा ले। तो ये हिंदू भाइयों का अकीदा है बारगाह मुस्तफ़ा में, इसलिए बड़ी बेहतरीन नाते पाक का मतलब पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल नई नात है, आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, समाज फरमाइए। है अजब नुस्खाए की मियाँ, सामने वाले भाइयों से भी मुखातिब हूं, कैसे? वो है रहमते तो आलम, वो सभी को प्यार देंगे, वो है रहमते तो आलम, वो सभी को प्यार देंगे, वो कर्म करेंगे जिसपे उसे बेशुमार देंगे, वो कर्म करेंगे जिसपे उसे बेशुमार देंगे, वो कर्म करेंगे जिसपे उसे बेशुमार देंगे, वो है रहमते तो आलम, वो सभी को प्यार देंगे, वो कर्म करेंगे जिसपे उसे बेशुमार देंगे, वो कर्म करेंगे जिसपे उसे बेशुमार।
लोग पीछे बैठे हैं एक बार जरा हाथ उठाकर सबूत दें कितने आशिक रसूल यहां बैठे हैं। दो मिसरे नजर कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ के पसंद फरमाएंगे और अगर पसंद आए तो वहीं से आप लोग सुभान अल्लाह कहना। तमन्ना करवटे लेती है हसरत याद करती है, 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 चले आओ मोहम्मद तुमको उम्मत याद करती है। नबी 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 मेरे प्यारे नबी नबी मेरे प्यारे नबी प्यारे नबी 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 मेरे प्यारे वाले नबी। हमारी खुशकिस्मती है इस महफिल की रौनक है और हमारे सरपरस्त हैं जनाब राजू साहब इस महफिल में तशरीफ ला चुके हैं अपने ग्रुप के साथ अपने साथियों के साथ। मैं तमाम लोगों की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तमाम आशिकाने मुस्तफा भी तवज्जो दे। या रसूल अल्लाह नजर कर रहा हूं। ये चार मिसरे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, 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 मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, मैं इस उम्मीद पे जिंदा हूँ आप मेरे हैं, मैं इस उम्मीद पे जिंदा हूँ आप मेरे हैं, मेरे चमन में तो सारी बहार आपसे है, नबी 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 मेरे प्यारे शबीर भाई मतला नजर कर रहा हूं। है अजब नुस्खाए की मियां, है अजब नुस्खाए की मियां, मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा, है अजब नुस्खाए की मियां, मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा, है अजब नुस्खाए की मियां, राजू साहब मतला सुन ले। है अजब नुस्खाए की मियां, मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा, है हर एक दर्द दिल की दवा, है हर एक दर्द दिल की दवा, मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा, है हर एक दर्द दिल की दवा, मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा, है हर एक दर्द दिल की दवा, मुस्तफा।
अरविंद भाई, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के सदके में मेरा काम होता है, उन्हीं के नाम के सदके में मेरा काम होता है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, दवा की जरूरत है। दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है, पाक पढ़ने से मुझे आराम, पाक पढ़ने से मुझे आराम, पाक पढ़ने से मुझे आराम, पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। ये वलियो ने कह दिया है सल्ले अला मोहम्मद, वलियो ने कह दिया है शेर जो आशिकाने मुस्तफा बैठे हैं, मेरा यकीन है कि मचल जाएंगे। यहां से इल्तिजा कर लूं दरे अकदस पे जाने की, यहां से इल्तिजा कर लूं दरे अकदस पे जाने की। सदर साहब, यहां से इल्तिजा कर लूं दरे अकदस पे जाने की। ये बताओ राजस्थान वालों, तुम में से मदीना कौन कौन जाना चाहता है? यहां से इल्तिजा कर लूं दरे अकदस पे जाने की। राजू साहब, वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की। कनात ये के आदत एक मुट्ठी जौ मंगाने की, सखावत ये के भर दी झोलियां सारे जमाने की। मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसाला ये है कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। अरे लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। इसलिए शेर पढ़ रहा हूं, गम नसीबों के गम खार हैं, बेकसों के मददगार हैं, नसीबों के गम खार हैं, बेकसों के मददगार हैं। सब नसीबों के सब खार है, बेकसों के मददगार है। मुश्किलों में है मुश्किल कुशा, मुश्किलों में है मुश्किल कुशा, मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा, राजू साहब जो इसके सेलेक्टेड बंद है, शेर है माफ कीजिए, वही पेश कर रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है और अपने मेहमान हजरात भी तशरीफ फरमा है। मुझे बड़ा प्यारा शेर लगता है इसलिए नजर कर रहा हूं भाई। उनका दर ऐसा जीशान है, नीनी दा बदम बगमरे गमा बगमरे नी सब का पा, उनका दर ऐसा जीशान है, उनके जिब्रील दरबान है, उनके जबरील दरबान है। बिल यकी है शहे दो सरा, बिल
यती है शहेदो सरा मुस्तफा 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 यती है शहेदो लीजिए मख्ता नजर कर रहा हूं मख्ते से पहले एक शेर बड़ा प्यारा है इसमें क्योंकि आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या थोड़ा सा डिले डाउन कर दें अरविंद भाई साहब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाएं तो अजब क्या उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है इस पर भी वो दामन में छुपाएं तो अजब क्या हासिल जिन्हें आका की गुलामी का शरफ है ठोकर से वो मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या, आखिरी शेर आपकी नजर है मख्ता नजर कर रहा हूं सरफराज साबरी जलालाबादी ये फराज़े हज़ी साबरी पुरखता है गुनाहगार है पुरखता है गुनाहगार है एक नजर सदकाए फातिमा एक नजर सदकाए फातिमा मुस्तफा 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 ओ एक नजर सदकाए नजर सदकाए फातिमा मुस्तफा 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 क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लक्ष्मण जी बाबू के साथ जो अभी महानुभाव आए थे वो लिस्ट वो डोनेशन की जो लिस्ट के जो नाम है वो मुझे लिखवा दीजिएगा अनीसा नाम की एक बच्ची सामिया सामिया नाम की बच्ची खो गई है मेले में 10 साल की बच्ची अगर किसी को मिली है अलीपुरा अच्छा सीढ़ियों के पास पहुंच जाए हो दरगाह शरीफ के जो सीढ़ियां है वहां पहुंच जाए या पहुंचा दे अगर किसी को मिली है तो 10 साल की बच्ची है और लक्ष्मण जी बाबू के संग अभी